हाय 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 एसपी सिंगला हाय 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 एनएचएआई हाय हाय एसपी सिंगला हाय हाय एसपी सिंगला हाय हाय एनएचएआई हाय हाय एनएचएआई हाय हाय एनएचएआई हाय हाय मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय अखनूर रोड के नाम रोड पे मौजूद है, जहां लोगों द्वारा सड़क जो है वो बंद कर दी गई। आप पीछे देख सकते हैं पूरी से गाड़ियां जो है उन्हें रोक दिया गया, और ये जितने भी दुकानदार हैं वो इस समय आपको सड़कों पर नजर आएंगे। बात अगर आप तक साझी करते हैं, पिलर नंबर 29 जो है उसे जो है वो बंद किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है इस बात के लिए तैयार नहीं, और उनका साफ कहना है ये क्रॉसिंग जो है उसे बंद नहीं किया जाए, जिसके चलते लोग जो है वो इस समय सड़कों पर उतर चुके हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्यों ये सड़कों पर है, आज ये रोड क्यों बंद की है। देखिए, आज हम जहाँ जब सुबह यहाँ पे आए तो ये एनएचएआई वाले अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लेके ये बीच में बोर्डर लगा रहे थे। हमने इनसे पूछा क्या बात है, तो ये कहते हैं सड़क बंद कर देंगे, हम टोटली बंद कर देंगे, ना कोई गाड़ी यहाँ से आएगी ना कोई गाड़ी यहाँ से वहाँ जाएगी। हमने पूछा इसकी अगली इंटरसेक्शन आधा किलोमीटर आ गया है तो कैसे चलेगा, इधर से 5-6 गलियां हैं, 5-6 मोहल्ले हैं, इतने लोग रहते हैं, शमशान घाट पास है, यहाँ पे नीचे टिम्बर मार्केट है, कल को कोई आगजनी हो गई गाड़ियां तो गाड़ी कैसे जाएगी, किसी ने मोहल्ले के बाहर जाना होगा वो कैसे जाएगा। तो इन्होंने कहा ये हम सब कोई नहीं जानते हैं, किसी ने कोई एक बंदे ने कंप्लेंट दी है, हमने कंप्लेंट की कंप्लाइज करनी है, हमने इस रास्ते को बंद करना है। हमने उस कंप्लेंट को देखा, उस कंप्लेंट में ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे एक ग्लास के जो शीशे होते हैं वो लगाओ ताकि आने जाने वाली गाड़ियां दिखें। तो ये जो एनएचआई के अधिकारी हैं अपनी पीठ थपथपाने के लिए ऊपर से, इन्होंने आसान से तरीका देखा कि गरीब जनता यहाँ पे बंद कर दो ये रास्ता आगे। ये मुझे लगता है हम सब लोगों ने यहाँ सफर किया है, जितनी देर ये काम चलता रहा है सब लोगों ने यहाँ पे सफर किया है। तो टिम्बर मार्केट हो गई यहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आग कोई पिछले दिनों भी यहाँ पे एक आर में आग लगी थी, तो ये रास्ता जो है कभी बंद नहीं हो सकता है एमरजेंसी के लिए। तो मैं सबसे यही गुहार यहाँ पे आप मीडिया के थ्रू मैं यही बात यहाँ पे आप सबके समक्ष यही रखना चाहता हूँ कि ये रास्ता किसी भी तरीके से यहाँ बंद नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं लोगों द्वारा साफ कहा गया ये क्रॉसिंग जो है उसे बंद नहीं होने दी जाएगी, और उसी के चलते अब गाड़ियां जो है यहाँ पूर्ण रूप से रोक दी गई है। और यहाँ पर बताया जा रहा है किसी गाड़ी में यहाँ पेशेंट भी है। फिलहाल इस रोड को जो है पूर्ण रूप से बंद करके पेशेंट भी कटी जाए, और यहाँ पे अब हॉर्न जो है चारों ओर बजते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से रोड जो है उसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। लोगों का साफ कहना है कि क्रॉसिंग जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। वो भी देखो पूरा जाम ही जाम लगा हुआ है। देखो इन्होंने कोई रोड का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ, उल्टे पुलटे सारे बारिश होती है तो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। जब से ये बना हुआ है, नहीं बना हुआ था इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, जब से ये बना हुआ है प्रॉब्लम प्रॉब्लम है हमारा। देखो 4-5 साल से बिजनेस बिल्कुल बंद हुआ था, अभी थोड़ा सा चलना शुरू हुआ फिर इन्होंने आगे पंगा डाल दिया। सारी क्रॉसिंग बंद कर रहे हैं, सिर्फ यही वाली नहीं, सारी करेंगे, सारी करेंगे। गलियां हैं, गलियां पांचों घर है, जाना कैसे अगर आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। आगे पार्क है, मंदिर है, कैसे लोग क्रॉस करेंगे। आगे बिजनेस बहुत अपसेट हुआ है 3-4 साल से, 4-4 किलोमीटर शहर के लिए जाना है, 2 किलोमीटर हमें वहाँ से घूम के आना पड़ा, वो तो हमारी बसे शहर हो गई, तो पार्क में कैसे जाएंगे हम, पार्क में रोड पे सैर करेंगे क्या हम। अब लोगों द्वारा यहाँ पे रोड जो है उसे ब्लॉक किया गया और बताया गया है। जी हमने अभी रोड ब्लॉक नहीं किया है, अगर ये अपनी बात अभी जनरल मैनेजर है तो वो कह के हम ये बंद करके
रहेंगे जैसे उनके बाप का रोड है। हम बंद धमकी देके गए थे हमें कि हम बंद करके रहेंगे, उसे हमने अगर बंद हुआ तो पूरी तरह से रोड ब्लॉक हो गया। हमारे पास भी धमकी देने के बहुत रास्ते हैं, तो हम भी धमकी गाड़ी हमने खुद खोल के साथ में करवा रहे हैं। हमने कोई रोड हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम रोड ब्लॉक करें, किसी को हमारी वजह से परेशानी हो दिक्कत हो, कोई एम्बुलेंस है किसी को जल्दी जाना कोई दिक्कत है, लेकिन अगर वो अपनी अपनी पे आए तो हम पूरे रोड ब्लॉक करेंगे। बाहर हो जाता कुछ हो जाता 2 किलोमीटर आगे पीछे थोड़ी जाएंगे हम, जैसे कट दिया हुआ है वैसे का वैसा रहने दें। अगर एक्सीडेंट का कोई ना कोई उन्होंने हल निकालना चाहिए कि उसके लिए क्या करें, कोई डिवाइडर लगाओ कुछ लगाओ, ऐसे तो पूरा रोड पे गाड़ियां चल रही है, एक्सीडेंट 50 एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें एक्सीडेंट की कोई थोड़ी वो हो सकता है। देख सकते हैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ पे बोल्डर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर एक तो लगा दिया गया है, यानी कि अब जो भी अखनूर रोड के ये पुल के नीचे की क्रॉसिंग्स हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट्स जो है वो ज्यादा हो रहे थे, उसके चलते अब यहाँ पर लोग जो है वो घरों से बाहर निकला है। उनका कहना है कि अगर ये क्रॉसिंग बंद होगी तो वो लोग यहाँ से आगे कैसे बढ़ पाएंगे, जिसके चलते उनके द्वारा आज प्रदर्शन भी किया गया और कुछ देर के लिए सड़क को जो है वो बंद भी किया गया, मगर फिलहाल सड़क जो है वो खोल दी गई है और लोगों द्वारा इसकी चेतावनी दी गई है कि अगर यहाँ पर फिर दोबारा से बोल्डर लगाने के लिए नेशनल हाईवे की टीम पहुंची तो और भी प्रदर्शन यहाँ जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर साझा कीजिएगा, क्या ये रोड के क्रॉसिंग जो है ये बंद होने चाहिए या फिर नहीं, आप जनता भी कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। देखते रहिए जेके चैनल, मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत, नमस्कार।